दोस्तों, चांद पर बर्फ के होने की आशंका पहले से थी, लेकिन पानी के भी संकेत अब मिल चुके हैं। अंतरिक्ष पर भारतीय सैटेलाइट चंद्रयान 1 की यह एक बड़ी खोज है। इसरो के चंद्रयान 1 के डेटा से यह खोज सामने आई है। चंद्रयान 1 के डेटा से नए खुलासे हो रहे हैं। चांद पर जंग लग रही है। हाँ दोस्तों, जैसा कि पहले भी यह पता चल चुका था कि चांद पर लोहा है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। चंद्रयान 1 के मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट के डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद पर जंग लग रही है, और यह तभी संभव है जब पानी व ऑक्सीजन की मात्रा हो। इस प्रकार चांद के ध्रुवों पर पानी के होने का इस बात का संकेत देता है, लेकिन पानी व ऑक्सीजन का प्रमाण पहले नहीं था। चांद का वातावरण हेमाटाइट बनने के लिए खराब है। हेमाटाइट जंग का ही एक रूप होता है। चांद पर सूर्य की रोशनी पड़ती ही रहती है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन को कम करता है। नासा के अनुसार जंग लगने का कारण पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। पृथ्वी के चुंबकीय वायुमंडल की मैग्नीट्यूड पूर्णिमा के दौरान चांद तक आने वाली 99% सौर हवाओं को ब्लॉक कर देती है, तब चांद पर मौजूद लोहे में जंग लगती होगी। मैग्नीट्यूड चांद के लिए सिर्फ शील्ड का काम नहीं करती, बल्कि कुछ ऑक्सीजन भी ट्रांसफर करती है। 2007 में यह जापान के ऑर्बिटर से कंफर्म हो चुका है, यानी कि चांद पर ऑक्सीजन हो ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। वैज्ञानिकों के रिसर्च हमेशा रहता ही है। सैटेलाइट के जरिए कोई ना कोई तथ्य बाहर निकल कर आते ही रहते हैं। साइंटिस्ट इसका अनुमान काफी लंबे समय से लगाते आ रहे हैं कि चांद के ध्रुवों पर पानी हो सकता है, लेकिन कुछ क्रेटर भी कैप्चर किए गए थे जिसमें कुछ नहीं था। रिसर्चर्स का कहना है कि धूल के कणों से सतह पर पानी के अणु रिलीज होते होंगे और चांद की मिट्टी में मिल जाते होंगे। यह खोज चांद की सतह पर प्रकाश के रिफ्लेक्शन को मैप पर खोजी गई है। चंद्रयान 2 के डेटा से भी काफी जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद 2020 में ही चंद्रयान 3 के मिशन की तैयारी चल रही है। आगे अभी और भी कई रोमांचित जानकारी प्राप्त होने वाली है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले टेक्निकल एवं साइंस से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।